Good morning, students. Today we are doing your chapter 10 from the subject maths, and this is for the class 10 board video. Aur aapke 10th chapter ka naam kya hai? Circles, that means right. Let's begin with some important factors. Point 1. A tangent to a circle. A tangent to a circle is a line. Is a line that intersects. That intersects the circle. That intersects the circle at exactly. क्या बोला जा रहा है कि स्पर्श रेखा और टेंजेंट, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बल्कि वो लाइन होती है जो कि सर्कल को किसी एक बिंदु पर ही क्लियरली काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। सेकेंड, अ पॉइंट वेयर उसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर आकृति टच करती है स्पर्श रेखा, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। नया थर्ड पॉइंट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब जो स्पर्श रेखा होती है सर्कल की, इज परपेंडिकुलर to the radius, is perpendicular to the radius, so the point of contact. जहाँ पर स्पर्श रेखा टच कर रही होती है, वहाँ पर जो त्रिज्या होगी उसको वो perpendicular टच करती है, मतलब कि त्रिज्या पे स्पर्श रेखा हमारी 90 डिग्री का कोण बनाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल, एक ऐसी लाइन जो वृत्त को एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो अलग अलग बिंदुओं पे अगर काटती है कोई लाइन, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ सर्कल, अ सेकेंड ऑफ अ जो लंबाई होती है दो टेंजेंट्स की, मतलब दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है, ड्रॉन from an external point to a circle. मतलब बाहर खींची गई किसी भी बिंदु से उसे स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होती है।
Now six is, if two tangent are drawn to a circle from an external point, they should subtend equal angles at the center. So don't only see me around the circle. If two tangents drawn to a circle from an external point, they subtend equal angles. कैसे उनके कोण बनते हैं? Equal बनते हैं. At the center. याद रखिए लिखिए. Let's begin with the exercise 10.1. We have the question number 3 is a tangent PQ at a point P of a circle at radius 5 cm meets a line, so the center O at a Q point, so that OQ is equal to 12 cm, and find the length of the PQ. कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा है PQ जो कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा OO Q बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि OQ की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर और PO की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर और निकालना किसकी है PQ की हमें वैल्यू निकालनी है. अब हमने जो कोऑर्डिनेट फैक्ट्स पढ़ा उसमें हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या को कितने कोण पे काटती है 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पे काटती है. ये हो गया हमारा 90 डिग्री. अब हम ये समझ गए कि बनने वाले जो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा. अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली जो कौन सी होती है कर्ण होती है. ओके तो क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर या फिर आप PQ के लिए PQ का स्क्वायर. अब जो वैल्यू पता है रख लीजिए और जो निकालनी है वो निकाल लीजिए. हमें PQ निकालना है ना तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर. ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस OP का स्क्वायर. PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ की क्या वैल्यू दी गई है 12 तो ये हो गया 12 का स्क्वायर. OP की क्या वैल्यू दी गई है 5 तो ये हो गया 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 5 का हो जाता है 25. Now question number 4 कहता है draw circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a second to the circle. कहा जा रहा है कि आपको एक circle बनाना है कुछ इस प्रकार कि एक line tangent हो और एक line second हो. तो ठीक है ये हम बना लेते हैं. Question number 4 Draw circle सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे उसका एक केंद्र बनाएंगे. केंद्र को नाम देंगे हम O एंड एक लाइन चलेंगे हमारी टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा जो वृत्त किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलती हो इसे हम कहते हैं टेंजेंट. और सेकंड क्या होता है जो वृत्त किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो वो हो जाता है हमारा सेकंड. जैसे ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे कर रही. अब बस इसे नाम दे दीजिए और एक सिंपल लाइन खींचनी है. सो इट्स योर लाइन. ये है एफ पी ये है पी ये है क्यू दैट्स इट. सो हियर
9, TV 9 AM and 980 is drawn parallel to line A. Line of the AB of the center of here and parallel to line A. Now it is tangent to the surface. We are like a tangent. PQ जो है, PQ is a second of a circle. क्यों second है हमारा PQ? क्योंकि वो वृत्तखंड या circle को दो बिंदुओं पर डिफरेंशिएट करती है. Now your exercise 10.2. Your first question is from a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 cm. And the distance of Q from the center is 25 cm. So the radius of circle is A 7 cm, B 12 cm, C 15 cm, and D 24.5 cm. After this circle diya gaya, from a point Q, in bar point Q, say the length of the tangent to a circle, ye point Q ka suppose. उससे जाने वाला जो टेंजेंट है वृत्त पे उसकी लेंथ हमें कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर दी गई है. दूसरा सेंटेंस है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर और केंद्र से उस क्यू की दूरी कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई है. तो हमने क्या निकाला है वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है. इस पॉइंट पर आप एक काम कीजिए नाम दे दीजिए T. ठीक है इस पॉइंट पर नाम दे दीजिए T. आंसर लिखिए सेंस QT इज अ टेंजेंट टू सर्कल एंड हमारी OB क्या हो जाएगी रेडियस होता है. क्यों? क्योंकि जो क्यूटी है वो टेंजेंट टू सर्कल. इसलिए हम कहते हैं कि जो ओ पी है वो पैरेलल है इस पे क्यूटी. नाउ आई फाइंड फॉर दिस थ्योरम. ये क्या हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. उसके अनुसार क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर. OQ हमें क्या दिया गया है? हाँ तो दिया है 25 का स्क्वायर. QD दिया है OD दिया है 24 का स्क्वायर प्लस OD का हमें निकालना है. तो क्या होता है OD का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 24 का स्क्वायर आई गेस 584 होता है. नो 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. कितना हो जाता है 24 का स्क्वायर 576 576 फिर घटा के लिखेंगे 625 में से 576 जाएंगे तो बचेगा 49. इसलिए यहाँ से हमारी OD यानी कि त्रिज्या की वैल्यू निकल जाएगी 7 सेंटीमीटर. नाउ योर क्वेश्चन टू. क्या कहते हैं क्वेश्चन टू? एक वृत्त है और इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं AB को PD और दूसरी डिग्री को
क्यूब और साथ ही साथ केंद्र के साथ एंगल दिया गया है, केंद्र O हो गया हमारा और ये दिया गया है हमें एंगल POQ दिया गया है 110 डिग्री और निकालना है उसका एंगल ये वाला एंगल हमको निकालना है। Now solution, since PP and PQ क्या है ये tangents है PP and PQ are tangents to a circle with center O किस सर्कल के साथ है जिसका केंद्र O है so that और ये हमें एंगल B दिया गया और सभी के POQ दिया गया 110 डिग्री ठीक है। Therefore हमें पता है कि जो टेंजेंट होते हैं त्रिज्या के रिलेटिव की परपेंडिकुलर इसलिए जो OP है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा PP पे। दूसरा जो OQ है वो हमारा परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा इस पे हो जाएगा QP पे हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर तो अब देखिए ये एक आयत बन रहा है ओ क्यू पी पी ये क्वाड्रेंट बन रहा है ये सो परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा ओ पी टी बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री कॉमा एंगल ओ क्यू पी पी बराबर हो जाएगा हमारे 90 डिग्री। नाउ इन द क्वाड्रेंट in the coordinate cell कौन सा coordinate cell हमें बताना है P P O Q में we have लेफ्ट हैंड में हमारे पास coordinate cell है angle P P Q plus angle P P Q plus angle P O Q plus angle Q हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों में एंगल कितना होता है 360 डिग्री तो हमने जो फिर किया और जो पता है देखिए क्या पहले हमें पता है पी पी क्यू ने हमें पहले भी हमें तो बराबर किसके हो जाएगा एंगल पी पी क्यू कितना दिया गया है पी पी क्यू है हमारा 90 डिग्री का दूसरा एंगल पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री के बराबर दिया गया है तीसरा एंगल ओ क्यू पी व्हिच इज आल्सो 90 डिग्री और ये किसके बराबर है 360 के बराबर एंगल टी पी क्यू हमें निकालना है इन सब को छोड़ के पीछे 90 180 और 100 280 और 10 290 इज इक्वल्स टू 360 एंगल पी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा एंगल 360 माइनस 290 कितना एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा सिमिलर पैटर्न के बेस क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा Now question number 4 है prove that the tangents drawn at the end of the diagonal of circle of L किसी वृत्त के दो अंत में खींचे गए tangents एक दूसरे के पैरेलल होते हैं यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये डायगोनल वृत्त ए बी किसी वृत्त का डायमीटर क्या होता है व्यास और एक टेंजेंट ये है हमारे पास जिसे हमने नाम दिया आर एस और एक टेंजेंट ये है जिसे हमने नाम दिया पी क्यू आप उसे नाम दे सकते और केंद्र क्या हमारे पास का ओ सो लेट ए बी बी द डायमीटर
of the given circle. हमने बताया कि चेनी के डायमीटर से केंद्र सर्कल विद सेंटर ओ इसके अंदर ओ ले पी क्यू एंड आर एस बी द एंड पी क्यू आर एस के other than the drums to the circle at the end of the diamond. इसलिए क्या हो जाएगा एबी से हमारा पैरेलल हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या या फिर व्यास तो ही पैरेलल होते हैं और पर्पेंडिकुलर होते हैं इस पे टेंजेंट और एबी को पर्पेंडिकुलर हो जाएगा हमारा आरएस. सो angle PAB is equal to angle PAB and angle is equal to 90 degrees per hour. इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ parallel IS जो कि angle PAB and angle A, B, S. तो हमारे लिए तो लाइन का बिल्कुल ही ठीक है. कैसे एंगल से R on the red angle. अगर ऑर्डिनरी एंगल से इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों एक ही कैसे करते हैं इसके पैरेलल हो चुकी है. Now आपका second question क्या कहता है? Two concentric circles are of radius 5 cm. दो सर्कल से जो कॉन्सेंट्रेट है मतलब सम केंद्र है दोनों का ही केंद्र एक आप एक बड़ा सर्कल बना लीजिए और एक उससे छोटा क्योंकि एक के रेडियस ज्यादा भी है एक के रेडियस कम भी है मतलब एक को डेफिनेटली बड़ा है और एक डेफिनेटली छोटा सर्कल है पर दोनों के केंद्र कैसे सेम है. तो हमने दो सर्कल बना लिए केंद्र क्या होगा सी. फिर क्या बोला जा रहा है आपकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस से 5 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस से 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल. बड़े वृत्त की इसकी जीवा की हमें लंबाई निकालनी है यहां पे जीवा की क्योंकि फिर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है. कितने का है छोटा सर्कल को टच कर रही है यहां पे टच कर रही है हमें ईक्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है एंड वी नीड टू पिक कितना है हमें कहेगा. कैसे निकालेंगे लेंथ C, be the common center C is the common center of two concentric circles. So, circles of common center and that PQ और M ये हमारा जो PQ है dear God dear God for her larger circle मान लीजिए जो PQ है जीवा है बड़े सर्कल which touches the small circle छोटे सर्कल को टच करते हैं जो कंडीशन क्रिएट होती है वैसे मान लीजिए किस पॉइंट पे करते हैं डी पे करते हैं
obviously six to 20. Since CD क्या है हमारा, since CD is the radius, त्रिज्या है. किसकी है CD radius? Smaller circle. Since CD is the radius of smaller circle, छोटे circle की त्रिज्या CD है and PQ. PQ क्या है? PQ tangent to C पर, छोटे circle. PQ is a tangent to the circle. F on D. Therefore, इसलिए क्या हो जाएगा? CD है, वो perpendicular है हमारे इस पे PQ. क्योंकि हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबे रेखा को कोण बनाती है. Now B, we know that क्या जानते हैं हम? The perpendicular, we know that perpendicular from the center of a circle to any chord, of a circle, fix the chord. क्या चाहते हैं हम? We know that the perpendicular drawn from the center of the circle, मतलब किसी भी वृत्त के केंद्र से जो perpendicular खींचा जाता है, वो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है. Bisect का मतलब क्या होता है कि दो से दो बराबर भागों में बांटता है. So यहाँ पर क्या है? CD perpendicular है DQ पे, and साथ ही साथ PD बराबर है DQ. PD किसके बराबर हो जाएगा? BQ के, क्योंकि उसको bisect करना. In right angle, एक right angle यहाँ पे form हो रहा है, in right angle PBC. इसमें हम क्या लगाएंगे? Hypotenuse term लगाएंगे. यहाँ से क्या मिलेगा हमें? CP का square बराबर है PD का square plus BC के square. Now इसे solve करने पे क्या मिलेगा हमें? CP के value कितनी है? 5. तो 5 का square बराबर. दूसरा क्या है? PD. PD के value को मैंने निकाल ली है. PD को ऐसे ही लिखेंगे कि PD का square plus BC का square मतलब 3 का square. यहाँ से PD का स्क्वायर कितना आ जाएगा? कितने की 25 में से 9 जाएंगे तो बचे के 16. मतलब PD हमारा कितना निकल के आएगा? 4. अब जब हमारा PD निकल के आ गया तो T के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा PD निकल के आ गया है 4, तो PD भी निकल सकते हैं क्योंकि जस्ट डबल हो जाएगा PQ. PQ बराबर कितना हो जाएगा? 2 × TD. तो हमें PQ कितना निकलनी चाहिए? 8 cm. Hence the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is 8 cm. तो chord की क्या length निकली है आपने? Hence the length of a chord PQ is equal to 8 cm. And this is the answer. Eighth question है आपका. A quadrilateral ABC is drawn circumscribe a circle. एक circle के चारों तरफ हमने एक आयत का निर्माण किया है. मान लीजिए ये circle हो गया, इसके चारों तरफ एक आयत है.
solution. Suppose the point is जो भी फिटर करना है वैसा हमने चारों तरफ से आयरन का निर्माण कैसे Now question number 11 says prove that the parallelogram circumscribed in a circle is a homeomorphism. एक समांतर चतुर्भुज के सर्कल की जानकारी दी जाए और हमें करना है कि वो समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम एक रोम्बस है. Parallelogram.
we don't have the tendons. Now, when we do first take a OP, you should tendons over here. Seven days, one day, two hours per day. From an external point, a high risk inducing injury from it. From an external point. I equal to it. This will be good. So this is around. That's why हमारा AB बराबर है इसके CD के और जो BC बराबर है वो इसके है AD के। यहाँ से भी हम compute कर सकते हैं। क्या होता है यहाँ पे conclusion? AB is equal to BC is equal to CD or is equal to AD. But we chart the graphs for the number, that's why it is the rules. Therefore,